एक ठो बार हमरा कहा मान ले। हमें तो आपका दिल चाहिए। हाय दिया, अब भरभूति जी का हाल बना के रखे हैं, बहुत ही बेहाल हाल है आपका। भाभी जी, मैं ना कहता था कि आपके दिल के गोशे में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है, जिसे इस बात का एहसास है कि मैं बेहाल हूँ या हाल में हूँ। एहसास वहसास का बात ना ही है, आपका हालत देख के तो बच्चा भी बता सकता है। सब ठीक बा? बस भाभी जी, जलालत की सूखी और कड़क रोटियां चबा चबा के गुजारा कर रहे हैं। तो जलालत की रोटी पर थोड़ा बदतमीजी का अचार और कमीनेपन का सलाद भी काट कर डाल लीजिएगा, थोड़ा स्वादिष्ट लगेगा। उड़ा लीजिए तिवारी जी, उड़ा लीजिए मेरा मजाक। और आप लोगों ने कल भी मेरा मजाक उड़ाने में, मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गलती आप लोगों की नहीं है तिवारी जी, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है। आपका वक्त अच्छा चल कब रहा था जनाब? आप तो बर्बाद थे, बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे। हाँ तिवारी जी, मैं बर्बाद हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। हमरा कहना मानिए भरभूति जी, आप कोनो ओझा तांत्रिक के पास जाइए। हाँ जरूर, हमको तो ना कोनो भूत प्रेत का चक्कर लगता है। तुम ना ये बौड़म पने की बातें बंद करो, समझी? ये तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा भूत है। है? कहाँ है? कहाँ है भूत? ये इतना बड़ा जीता जागता भूत आपके सामने खड़ा तो है। ये तो हाड़ मांस के बने हुए जीते जागते विभूति नारायण मिश्रा हैं। मुझे असली भूत चाहिए, असली भूत। और रामकली छमिया कैसी है? आइडिया, अम्मा जी को छमिया बोल रहे हैं। आपका दिमाग फिर गया है क्या? एक तो हमारी अम्मा का नाम बदतमीजी से ले रहे हैं, ऊपर से उनको छमिया भी कह रहे हैं आप। अरे भैया, रामकली सिर्फ नानी माँ का नाम थोड़ी है। अभी जिस रामकली से मैं बात कर रहा था, वो 90 साल पहले एक बार डांसर थी, अभी भी आपके पीछे नाच रही है। वो 90 साल पहले एक बार डांसर थी, अभी भी आपके पीछे नाच रही है। अरे चिंता मत करिए, नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल। का आपको भूत दिख रहे हैं? हमको भी देखना है। भाभी माँ, असल में बात यह है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कड़ी साधना की है, तपस्या की है, उसके बाद मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से मैं भूतों को देख सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ। एक्चुअली आजकल मैं हर सुबह भूतों के साथ नाश्ता करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा जरा बताइए कि इस समय यहाँ कितने भूत मौजूद हैं? हाँ ओके, 1 2 3 4 5। बुधन, वो डूमर, डूमर कहाँ है तेरा भाई? अच्छा हाँ पीछे। हाँ गुड मॉर्निंग डूमर। 6 7 8 9 10। अरे डमरू चंद, कच्चा बनियान के नीचे क्या कर रहे? अरे चुन्नो, चुन्नो नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पता है चुन्नो है। अरे इस समय हम जीते जागते लोगों के अलावा यहाँ पर 25 भूत हैं। आइडिया, आपने क्या अपनी तरह सबको पागल समझ रखा है? अरे भैया, पूरी दुनिया पागल है। जी नहीं, सिर्फ आप पागल हैं। रोज इतने ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं। वैसे भैया, ड्रामे तो आजकल आप भी बहुत कर रहे हैं। मैं ड्रामा क्या कर रहा हूँ? कल रात को शमशान घाट में भूत जेठा मिल की डेथ पार्टी थी, और उस पार्टी से डिनर करके जब मैं वापस लौट रहा था, तो मैंने आपको कब्रिस्तान में जॉनी जोकर की कब्र के ऊपर सोते हुए देखा था। भरभूति जी जॉनी जोकर की कब्र पे क्या कर रहे थे? अरे होगा इनका कोई रिश्तेदार, तुम भी चलो यहाँ से, चलो। लेकिन अरे चलो, जॉनी जोकर रिश्तेदार, आई लाइक इट। चुन्नो, मैंने कहा ना आपसे वो चुन्नू नहीं है। मैंने कहा ना कि ये चुन्नू है। चुन्नो आजा। तिवारी भैया, तुमको क्या लगता है? किस बारे में बेटी? जय की विभूति भैया जो है ना, आजकल कछु बदले बदले से नजर आ रहे हैं यार। ना 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 टीका, कुछ ना भैया, बहुत कुछ बदले नजर आ रहे हैं वो। यार एक बात कहूं, वैसे भैया हमने भी ना कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, बाल छतरी उतार कर रख दी। अबे वो तो वैसे ही जलील पार्टी है, ऊपर वाला कुछ लोगों को जलील बना के बेचता है। ये भी बात सही है। अबे गुप्ता, चाय लगाओ यार जल्दी। अबे रामगुलाम, तू अबे तू जिंदा है? तो क्या नहीं होना चाहिए था क्या बे? अबे जिस आदमी की बीवी उसे जूतियां मार के निकाल दे और पड़ोसी के साथ बैठ के रमी खेलती हो, उस भूतनी वाले को तो डूब के मर जाना चाहिए। एक बात बता यार, तू चला कहाँ गया था यार, बरसों बाद दिखाई दे रहा है। आजकल कब्रिस्तान में रह रहे हैं बे।
भैया एकदम सही जगह रह रहो, वहां जगह ना तो के लिए एकदम फिट आ गई फिट। चार गंदों की जरूरत भी ना पड़ेगी। अबे ओ, 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 हमारे अलावा एक और मनुज वहां रहता है। तीन मनुज तो ये बैठे, और कौन मनुज रहता है? अबे इनसे बड़े वाला मनुज यार, तुम्हारी मॉडर्न कॉलोनी का नल्ला विभूति नारायण मिश्रा बे। मैं तो चमक कर रोशनी भी खेलना चाहता था, लेकिन समाज के इन भेड़ियों ने रोशनी के छोटे से गुबार को अपनी तोहमतों की हवा देकर बॉम्ब बना दिया। एटम बॉम्ब। मॉडर्न कॉलोनी वालों तैयार हो जाओ, अब आफत आने वाली है। क्या बात है बल, चारे के अलावा केक का भी समझ है तुमको है? खास तुम्हारे लिए बनवा के लाए हैं। हाँ, बैल। अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अम्मा जी मैनी मैनी हैप्पी रिटायरमेंट ऑफ द डे। यार तुझी बोलती है, अभी से रिटायर कर रही अम्मा को, सिर्फ 50 की हुई है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे होता पगली। सही पकड़ा। हाँ। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। खुसरा खुसरा थैंक यू बहुरिया। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना अम्मा। जीता रे बैल। अरे क्या बात है, एक नंबर का कंजूस है, किसी को बुलाया नहीं? अरे सबको बुलाए अम्मा, आते होंगे। अम्मा जी हैप्पी बर्थडे। अरे ये क्या कर रहे हैं मास्टर जी, उम्र में तो हम आपसे छोटे हैं। अरे कहा अम्मा जी, आप ठहरी 50 की, हम तो अभी अभी 49 के हुए हैं। अम्मा अम्मा जी हैप्पी बर्थडे। अम्मा खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो टिलवा। अम्मा जल्दी से काम धंधा करो और जल्दी शादी करो। कसम खा के कह रही हूँ अम्मा, बस आपका आशीर्वाद लग जाए, घर भी बच जाएगा और शायद कोई कंजूस मेरी तनख्वाह भी दे दे। अरे तेरी अम्मा का आशीर्वाद ना कभी खा लेने जाता हूँ। एक बार दरोगा जी को दिए तो कि तुम्हारे बीवी को पेट हमेशा भरे रहोगे, तो आज तो बरोबर हुआ। अरे शरारत से बाज ना आओगे तुम लोग। और भैया कभी भविष्य में ये लोग बाज आएंगे भी नहीं। अम्मा जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ई का प्लास्टिक का है। क्या करें अम्मा जी, अभी सीजन नहीं चल रहे ना, वैसे ये ओरिजिनल फूलों से ज्यादा महंगे हैं। अरे डॉक्टर कभी कभी ईमानदारी से भी इलाज कर लिया करो है। सुनिए लड्डू के भैया, आप वो जोकर बुलाने वाले थे, वो काहे ना आए आए अभी तक? अरे यार काम तक कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन मिले ही नहीं तो क्या करें? कारे बहन, आज इतना खुशी के मौके पे काहे हमने बहुरिया दुखी कर रहा है तू? जाने दीजिए अम्मा जी, ये लड्डू के भैया ना हर काम में ढीले हैं। अम्मा क्या करे, कोशिश की है ना, जब नहीं मिला तो क्या करे, बोलते रहे। काहे नहीं मिला, वो जोकर है, कोनो गवर्नर नहीं है जो नहीं मिला, काहे नहीं मिला? अरे सुनो अम्मा। अरे अम्मा जी काहे टेंशन कर रही हो आप, मां साहब को खड़ा कर देते ना, ये अच्छे लगेंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। बस किसी को कछु भी बनाने का जरूरत ना आई है, इन लड्डू के भैया को हमरा कोनो परवाह ही ना आई है। यार मैं तो हूँ। हाय दिया, ये किसका आवाज है? जोकर। I'm here. I'm right here. Ladies and gentlemen, 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 gentlemen. The Joker is here. I'm the Joker. I'm the Joker. I'm the Joker. ये तो विभूति है। हाय दिया, अब भरभूति जी। भरभूति जी नहीं, I'm the Johnny. जोकर। जोकर आ गए, जोकर।
जोकर हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, गम के खोले सिक्कों के बदले मैं दो पल हंसी बांटता हूं। नहीं मेरा कोई वजूद इस जहां में, नहीं मेरा कोई वजूद इस जहां में, मैं रहता हूं एक उधड़े हुए से मकान में, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, नहीं मेरा कोई, ना मैं किसी का। चली, चली, चली। एक मिनट, पहले मैं चारों की पनिशमेंट तय कर दूं। Shut up! Now listen to me carefully. तुम चारों मुर्गा बनके इस पूरे मोहल्ले के चार चक्कर काटोगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम चारों को खड़े खड़े तंदूरी मुर्ग बना दूंगा। कमान कमान गाइस, मुर्गा बनाओ। आई लाइक इट। हाय लिया। आ जाने जोकर जी। यस। एक बात बोले का आपको? तो से ट्रू थिंग्स तो बात बोले। हमरी एक तो इच्छा है। यस टेल मी, इच्छा बताइए, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, मैं जान ले दूंगा। आ का बोले? आई सेड भाभी जी, टेल मी योर इच्छा, इच्छा बताइए। इच्छा ये है कि हम जानी जोकर के साथ डांस करना चाहते हैं। That's nice. Yeah. आपकी इच्छा पूरी हुई। म्यूजिक। भैया एक बात तो, अबे माफ कर दे यार भैया, तंदूरी और तरी वाला मुर्गा बनना आसान है यार, लेकिन जे वाला मुर्गा बनना बहुत मुश्किल है। अरे यार, मुर्गा बने बने हमारे पीठ ऐसी अकड़ गई है जैसे पड़ोसी मुल्क अकड़ता है। कोई मालिश कर दो मेरी पीठ। ओ भैया, जैसे तुम्हारा हाल चल रहा हुआ है ना, वैसे ही हमारा हाल भी चल रहा हुआ है। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ, उस जॉनी जॉकर ने हम सबके गुर्दे छील रखे, हमारे साथ तुमसे ज्यादा जाती हुई है। अबे हमारी ज्यादा बैंड बजी पड़ी है, तुझे अपनी लग रही है। एक मिनट भैया, भैया मुद्दा ये नहीं है कि वहां कौन की कितनी बैंड बजाई, मुद्दा ये है कि हमें वह जोनी जोकर से छुटकारा कैसे मिलेगा। मुझे तो लगता है कि हम शरीफ आदमी को है ना
जहाँ शहर छोड़कर जाने पड़ेगा। अरे शहर छोड़कर जाने की बात भूल जा, इस गलतफहमी मत रहियो, वो आत्मा है बेटे, कहीं भी घुस जाएगी। लोग घुस गई आत्मा। तिवारी भैया, लौंडो बड़े उधले हुए लग रहे हो। क्या बताएं डॉक्टर साहब, जब से भभूति जी के अंदर वो जॉनी जोकर की आत्मा घुसी है ना, हम सबकी बैंड बजी पड़ी है। ओहो हो हो, ये तो बड़ी मतलब डेंजर सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बड़े वाले तांत्रिक हो। कसम खा के कह रही हूँ, तशरीफ सही से टिका नहीं पा रहे, शैतान का कोई इलाज विलाज बताओ ना। विभूति भैया की बॉडी में आत्मा घुसी है ना। हाँ भाई हाँ। तो एक काम करो, तुम चारों लोग मिलकर ना विभूति भैया को कस के कोट दो, आत्मा अपने आप भाग जाएगी। जल्दी से बिच्छू का जहर लाओ, इसे पिलाओ और आत्मा को भगाओ। एक मिनट यार, नहीं, हम आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हाँ भाभी जी, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए, आपको मेरी कसम। आ देखे लड्डू के भैया, वो हमको कसम दे, हम आपको नहीं आने देंगे। हम ये कसम तोड़ते हैं। वो तोड़ दिए भाभी जी, आपको एक और कसम, आपको मेरी कसम। वो कसम दे दिए। हम फिर ये कसम तोड़ते हैं। वो तोड़ दिए भाभी जी, मेरी एक और बार आपको कसम। एक मिनट यार, हमारी बीवी है, आप कसम देने वाले होते कौन है? कसम हम देंगे और तोड़ेंगे भी हम ही। भैया फालतू की बकाती छोड़ो और जल्दी से जे जहर ना, इसको जोनी जोकर की आत्मा को पिला दो और इसकी आत्मा को यहाँ से विदा कर दो, वरना इसकी आत्मा ना ऐसी नाटक करती रहेगी। आप है खड़ा रहो वहीं। क्या तिवारी भैया, ये क्या अनर्थ फैलाए हो यार? अरे कोई जॉनी जोकर नहीं है ये, विभूति नारायण मिश्रा है। स्टैम्प पेपर पे लिख के देखा? देखिए देखिए, हम बोल रहे थे ना। अबे राम गुलाम, तुम इतना दावे के साथ ये कैसे कह सकते हो बे? अबे क्योंकि हम ही ये आइडिया इनको टिकाए थे बे। ये ठीक कह रहा है बे, इसने हमें आइडिया दिया था और हमें लगा कि जिन्होंने हमें जलील किया है उनसे बदला लेने का ये सही वक्त है। चुन चुन का बदला लेंगे सबसे, हमारी तो यही कोशिश थी। उसके बाद ये जॉनी जोकर की आत्मा का नाटक नौटंकी शुरू कर दिए। कैसेट, कम ऑन कैसेट, जस्ट कैसेट, यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ। शट अप, शट अप। ना मेरे अंदर जॉनी है ना जोकर, समझे आप? पीछे पड़ गए हाथ धोके। असल में इतनी देर में मैं अच्छी तरह से समझ गया था भैया कि आपके अंदर ना जॉनी है ना जोकर है, आपके अंदर कुछ नहीं है, आप पूरी तरह से खोखले हैं। मैं यही तो बोल रहा था आपसे। और क्या बोल रहा था मैं इतनी देर से? तो आपने ये जो जॉनी जोकर का नाटक कर रखा है, सबकी बैंड बजा रखी है, उसके पीछे की वजह जान सकता हूँ भैया? बदला, रिवेंज, वेंडेटा। किस चीज का बदला, रिवेंज, वेंडेटा? इस चंडाल चौकड़ी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, जलील किया है, मुझे बहुत लानतें भेजी हैं। अब मैं वही लानत शॉल में लपेट के इनको वापस भेज रहा हूँ। लपेट के? आई लाइक इट। एक्चुअली भैया बात यह है कि इस चंडाल चौकड़ी ने मुझे भी शॉल में लपेट के बहुत सारी लानतें भेजी हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ यू भैया, मैं आपके साथ हूँ और अब हम दोनों मिल के शॉल में लपेट लपेट के इस चंडाल चौकड़ी को लानतें वापस भेजेंगे। लेट्स शेक आवर हैंड, सोशल डिस्टेंसिंग, आई लाइक इट। अच्छा तो ये थे जिन्होंने जॉनी जोकर की आत्मा की आड़ में हम सबकी बैंड बजाई। एक दो मिनट, आप टीका मलखान टिल्लू भैया मिलकर भी भरभूति जी का बैंड बजाए थे ना, तो वो भी बजा दिए। बैंड बराबर, हमारा मतलब हिसाब बराबर हो गया है। चलिए खोलिए उनको। भाभी जी आप सोच लीजिए, ये रिक्स हो सकता है। टिल्लू भैया और रिस्क होता है। भाभी जी मैं खोल दूंगा अभी फिर। हाँ खोलिए 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 खोलिए। एक्सक्यूज मी राम, गुलाम साइड में। तू मेरा हाथ खोल दे बेटा। अरे खोल रहा है, गला घोट रहा है। ओह सॉरी भाभी जी, थैंक यू सो मच। मोशन नॉट, अब ये मेंशन नॉट होता है। सही पकड़े हैं विभू। अरे भाभी जी के साथ हम भी तुमको बचाए हैं बे। तो कहीं दूर कब्रिस्तान में घर बसा लेते हैं मम्मी।
राम गुलाम। अरे मुए, अगर तू घर बसा लेगा तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान कौन संभालेगा? चल हट। हे जॉनी जोकर, ले आ गई तेरी जिनी जोकर रन। बॉम्बे अंगूरे। अरे भाई तनिक पानी गन लाओ, हम आ गए हैं। ई लीजिए साहब जी। साहब जी, रात के खाने में का बनाना है? जो मर्जी आए सो बना लो। अजी साहब जी, एक मिनट, ये बार बार हमें साहब जी कहकर काय बुला रही हो बगली? क्या करें, घर की नौकरानी तो अपने मालिक को साहब जी बुलाएगी ना। ये किस टाइप की बातें कर रही हो पगली? बैठो 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 जरा तनिक बैठो। हाँ, अरे तुम इस घर की मालकिन हो, हमारी धर्म पत्नी हो। अच्छा अच्छा हुआ हमको बता दिए, हम तो भूल ही गए थे कि पत्नी का होती है। हाँ, हम तो ये सुने थे कि पत्नी ऊ होती है जिसका पति ऊ को नए नए तोहफे ला कर देता है। आप लाएगा कभी? पत्नी तो ऊ होती है कि दो चार महीने में ऊ का पति ऊ को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। ठीक है का? देखो पगली, क्या है कि अभी हमारी घूमने फिरने की उम्र कहाँ रही। अब बस कुछ साल रुक जाओ तो तीर्थ करने की उम्र भी आ जाएगी, फिर तो मैं लिए चलेंगे बनारस, हरिद्वार, काशी, हर जगह लिए चलेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। सच बात तो ये है कि आपके अंदर प्रेम नाम का हड्डी ना बना है। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नाम का कंकाल जो है ना, वो डिस्को डांस कर रहा है, सिर्फ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अरे रे दीजिए, कितना सपने देखती है एक तो औरत अपनी शादी के बाद। जब नया नया शादी हुआ था तो कम से कम हमको कहीं घुमाने ले जाते थे, रात को क्रीम खिलाते थे। अब तो कुछ ना। पगली, इसमें हमारी क्या गलती है? वो आइसक्रीम वाला जो रात को हमें आइसक्रीम पे डिस्काउंट दिया करता था, वो कमबख्त मर गया, तो अब हम कहां से आइसक्रीम खिलाएं तुम्हें बताओ? आइडिया तो आप पैसे बचाने के लिए हमको खिलाने ना ही ले जाते। हमको कुछ ना ही पता, आज रात को हमको आइसक्रीम खाना है, खाना है, खाना है बस। अरे यार देखो, आज रात नहीं ले जा सकते, अकड़ गई पीठ एकदम से। अपना मोबाइल दीजिए जरा। अब भाई दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ? अरे डॉक्टर को बुलाने से दर्द ठीक नहीं होगा, ये उसके बस की बात नहीं है। हमको पता है डॉक्टर के बस का नहीं है, इसलिए अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। अम्मा जी अभी ठीक कर दी। एकदम से अचानक ठीक हो गए, लगता बाहर घूम कर आने से और भी सही हो जाएगा। बताओ कितने बजे बाहर चलना है? रात के खाने के बाद चलते हैं। ठीक बा, ठीक बा। लव यू साहब जी। लव यू टू। ओ चांद खिला उतारे हसे, ई रात अजब मतवाली है। मैंने कहा भाभी जी क्या बना रही हैं? बड़ी खुशबू आ रही है। हम तो पराठे बना रहे हैं केवल। भाभी जी आपके हाथ में वो जादू है कि अगर आप इन हाथों से इस तवे पे चप्पलें भी सेक देना तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, ये बाय गॉड शीरमाल बन रहा है, ताफ्तान बन रहा है। प्रभुति जी आप बिना कछु भी बोलते हैं, कभी भी कहीं भी हमको प्रेस करने लगते हैं। एक्सक्यूज मी, ये प्रेस धीरे बोलिए, कोई क्या समझेगा? आप प्रेस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कभी भी हमरा तारीफ करते हैं। भाभी जी आप तारीफ के लायक हैं, आप तारीफ के काबिल हैं। भाभी जी अब देखिए, अगर ताजमहल को ताजमहल ना कह के अगर उसे कहें कि सफेद पत्थरों का एक मकान है तो ताजमहल की शान में गुस्ताखी होगी भाभी जी, नहीं? व्हाट यू से राइट? एम आई टॉकिंग सेंस राइट? हां नहीं, हम क्या बोलते हैं, देखिए वो जो ताजमहल है वो बना तो सफेद पत्थरों का ही है, तो उसको बोल सकते हैं ना ऐसा, वो काले पत्थर तो लगे ना ही है उसमें। भाभी जी को भारी बर्तन है क्या आपके? हाँ लीजिए। कुछ नहीं भाभी जी, मैं जरा अपने आपको सजा दे रहा था, ये गलत क्वेश्चन पूछने की सजा। भाभी आई थिंक आई शुड कम टू द पॉइंट, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अभी क्या आज रात का मेरे साथ चांद देखेंगी? क्या बात कर रहे हैं, चांद तो रोज ही देखते हैं, आज का है ऐसा? अभी आज का चांद स्पेशल होने वाला है, अगर आज का चांद आप मेरे साथ देख लेंगी ना तो मेरी
आरजू जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या बोले? अभी आज का चांद मीठा चांद है, और आज का चांद जो भी देखेगा ना उसके पति के बिजनेस में, अगर स्पेशली वो अंदरूनी कपड़ों के बिजनेस में, अगर वो अंडर गार्मेंट्स के बिजनेस में है, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कच्चे बनियान ऐसे बिकेंगे, ऐसे भाभी जी ऐसे बिकेंगे। आइडिया सच्ची? हाँ भाभी जी, और तिवारी जी कहां से कहां पहुंच जाएंगे, सिर्फ आपकी हाँ कहने की देरी है भाभी जी। हाँ तो हमारी तरफ से हाँ है, हम जरूर देखेंगे। तो फिर रात को आप चांद देखेंगे? हाँ। तो कितने बजे आ जाऊं? काहे चांद देखने आपके साथ? दिया आप काहे तकलीफ करेंगे, और काहे के लिए टिके भैया हमको ले जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने ना, तो हम दोनों देख लेंगे चांद। चांद तो मेरे साथ देखने की बात हुई थी ना। आई दिया आप भी ना बहुत हमको बातों में लगाते, देखिए वो सब काला पड़ गया हमारा पराठा, जाइए अभी बाद में बात करेंगे। हाँ भाभी जी आपका तो पराठा जला है, यहाँ पता नहीं क्या क्या जल गया। बे अपना चांद देख ले। तेरे अब्बा को बोल तेरी माँ को दिखाएगा चांद तारे, मरता भी नहीं दिखता भी नहीं। भाभी जी